स्टूडेंट, फाइनली आप लोग टर्म वन मैथमेटिक्स बेसिक का एग्ज़ाम दे चुके हैं। आइए हम लोग इस वीडियो में आंसर की मिलाते हैं, और ये सारे आंसर की पूरी तरह से सही है, 100% सही आपको आंसर मिलेगा। और अगर सॉल्यूशन के साथ आपको आंसर की देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे आपको ये वीडियो मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले कोड देख लीजिए, सेट नंबर 4 है और 431 दिया। इसी तरह चार चार सेट दिया रहेगा तो 1 का दिया हुआ सोल्यूशन करवा रहा हूँ मैं, और ये मैथमेटिक्स बेसिक टर्म 1 का है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट का जो आंसर हो जाएगा, आपको एलसीएम निकालना है तो ऑप्शन हो जाएगा 60। कौन सा सी नंबर आपका 60, ठीक है। टू का, टू का ए हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13, ठीक है। थ्री नंबर का आंसर हो जाएगा आपका बी 2, ठीक है। फोर नंबर का आंसर हो जाएगा डी मोर देन 3, ठीक है। फाइव का आंसर हो जाएगा आपका कौन सा ए प्लस 1 बराबर बी, ए नंबर ऑप्शन होगा। सिक्स का आंसर हो जाएगा आपका सी x² - 5x + c। सेवन का आंसर हो जाएगा सी नो सॉल्यूशन, क्या बोलेंगे नो सॉल्यूशन, चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन हो जाएगा आपका डी 10x - 14y = -4, ठीक है। चलिए नाइन नंबर का आंसर हो जाएगा आपका सी a - b, ठीक है। टेन का आंसर हो जाएगा आपका बी 8 यूनिट्स। इलेवन का आपका आंसर हो जाएगा बी d/pq = ef/rp, ठीक है। ये नोट कर रहा था, ये आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। 12 का आंसर हो जाएगा ए 4:5, ठीक है। 13 का आंसर हो जाएगा बी 4। 14 का आंसर हो जाएगा आपका बी 2। 15 का आंसर हो जाएगा आपका डी 1। 16 का आंसर हो जाएगा आपका कौन सा ए 0, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम लोग खाली वाले आंसर बता रहे हैं, इसलिए सॉल्यूशन अगर देखना हो तो हमारे वीडियो पर देख सकते हैं। चलिए अब आते हैं 17 नंबर। 17 नंबर का आंसर हो जाएगा डी 17/60, ठीक है। 18 का आंसर हो जाएगा सी 1 - m। 19 का आंसर हो जाएगा कौन सा सी 1/6। 20 का आंसर हो जाएगा सी m i 0। 21 का आंसर हो जाएगा सी 6। 22 का आंसर हो जाएगा सी q = 2 पावर m, 5 पावर n के फॉर्म में होता है ये वाला, ठीक है। 23 का आंसर हो जाएगा आपका सी 1/5, ठीक है। 24 का आंसर हो जाएगा डी 6:28 m, ठीक है। 25 का आंसर हो जाएगा बी a = 3 b = 1, a = 3 b = 1, ठीक है। 25 हो गया। चलिए 26 देखते हैं। 26 का आपका आंसर हो जाएगा बी 4। 27 का ए आंसर हो जाएगा a > 0। 28 का आंसर हो जाएगा डी 0। 29 का आंसर हो जाएगा ए 3 and 1। 30 का आंसर हो जाएगा आपका बी 5 स्क्वायर, क्या हो जाएगा 5 स्क्वायर यूनिट। चलिए 31 नंबर देखिए। 31 का आंसर हो जाएगा आपका डी 99 डिग्री, ठीक है। 32 का आंसर हो जाएगा 60/13 cm बी, ठीक है। 33 का आंसर हो जाएगा आपका डी 15 cm, ठीक है। 34 का आंसर हो जाएगा सी 10 cm। 35 का आंसर हो जाएगा आपका कौन सा 4√3 बी ऑप्शन। 36 का आंसर हो जाएगा सी 12 यूनिट्स। 37 का ए हो जाएगा 5/4। 38 का हो जाएगा बी a = b = 45 डिग्री। 39 का आंसर हो जाएगा आपका कौन सा सी 3, ठीक है। 40 का आंसर हो जाएगा बी 7/36। 41 का आंसर आपका हो जाएगा बी 7.2, ठीक है। 42 का आंसर हो जाएगा √c √17 यूनिट। 43 का आंसर हो जाएगा बी x + y = 7। 44 का आंसर हो जाएगा डी √8 + √26 यूनिट्स। 45 का बी आंसर हो जाएगा 4 - 5, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखिए। 46 का आंसर आपका होगा बी 32√3 cm। 47 का आंसर हो जाएगा सी 48 cm। 48 का हो जाएगा बी 1764 1764 स्क्वायर सेंटीमीटर। और 49 का आंसर हो जाएगा 154 स्क्वायर सेंटीमीटर। और 50 का आंसर हो जाएगा ए 378 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस वीडियो में आपका सारे का सारा करेक्ट आंसर दिया हुआ है, साथ में सॉल्यूशन भी दिया हुआ है हमारे चैनल पे, तो आप वहां से देख सकते हैं, मिला सकते हैं, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपका बेनिफिशियल लगा होगा। अगर बेनिफिशियल लगा तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।